150 शेयर हैं और ये सवाल हम तक पहुंचाया है जिन्होंने, उन्होंने खरीद जो की है वो 80 रुपए के भाव पे की है। विकास है, हालांकि शेयर का नाम उन्होंने नहीं भेजा हम तक। टाटा मोटर्स के 150 शेयर 80 रुपए के भाव पे, बहुत पहले की खरीद, 2005 के आसपास की खरीद इनकी लगती है। चलिए देखते हैं कि इस पर क्या नजरिया बनता है। अविनाश जी आप ही बताइए, टाटा मोटर्स 80 रुपए पे खरीदा है, हालांकि लगातार एक पॉजिटिव अप्रोच ऑटो सेक्टर पर रही है तमाम आप एक्सपर्ट्स की। ये बिल्कुल देखिए, 80 रुपए में तो इन्होंने बहुत ही पहले खरीदा है, इनको अच्छी तरह से बहुत अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेनिफिट मिल रहा है। और अभी देखिए, अभी टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट आप ही के चैनल पे आए थे, वो क्लियरली कह रहे थे कि अगले 2 साल में टाटा मोटर्स नेट कैश पॉजिटिव बनेगा। JLR का धंधा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, डोमेस्टिक ईवी मार्केट में भी इनके ऑलमोस्ट 10 नए मॉडल अगले 2 साल में आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर इनको पैसों की जरूरत नहीं है तो आराम से मैं समझता हूं कि 775-800 अगले 12 से 18 महीने में स्टॉक का फेयर वैल्यू बन सकता है। नंबर्स बहुत तगड़े आएंगे इस साल, हमारा मानना है कि पिछले साल करीबन 2000 करोड़ का घाटा टाटा मोटर्स ने किया था, इस साल करीबन 16000 करोड़ का प्रॉफिट आने की उम्मीद है और उधर से भी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा रहेगा। तो आई थिंक कंटिन्यू टू होल्ड, अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो अगले 12-18 महीने में और भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड और री रेटिंग पॉसिबल।